चीनी के अंदर चींटी घुस गया है और ये निकल नहीं रहा है। ओह ये देखो टमाटर 200 रुपए किलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं सुबह जाता हूँ जॉब पे और फिर शाम को आता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ। बट एक्चुअली सुबह जाता हूँ, फिर शाम को आना, फिर जिम जाना, खाना वाना बनाओ, खाना खाओ, फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, मतलब रात हो जाता है, तो बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता है। बट फिर भी ट्राई करता रहता हूँ मैं ब्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आज मैं फ्री था तो सोचा कि आज ब्लॉगिंग करता हूँ। और आज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए ओट्स, तो आज मैं ओट्स बनाऊँगा और आपको दिखाने वाला हूँ कि ओट्स मैं कैसे बनाऊँगा। ये मैं ओट्स सेकेंड टाइम बनाऊँगा, इसके पहले बनाया था बट इतना बेकार बनाया था कि पूछो ही मत, मैं खा ही नहीं पाया, थोड़ा बहुत खाया और बाकी फेंक दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी खाते हैं ओट्स, बट उनको पसंद आता है। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो चीनी डाल के खाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मुझे चीनी चाहिए उसमें। इसे मैं जा रहा हूँ चीनी लाने के लिए और दूध लाने के लिए। लास्ट टाइम मैं पानी के अंदर बनाया था, इस बार दूध में बनाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ नीचे दूध लाने के लिए, और जो लास्ट टाइम जो लेके आया था क्विकर का ओट्स, वही बनाऊँगा, उसी में से बचा हुआ, वो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ, सिर्फ एक ही बार बनाया था। सो गाइस, चलो पहले लाते हैं दूध, और दूध लाने के बाद फिर बनाऊँगा ओट्स। तो पहले जाना पड़ेगा हमको मार्केट, और मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, नीचे में एक ग्रोसरी का शॉप है, तो मैं वहाँ से लूँगा और वहाँ से लेके फिर आ जाऊँगा। ये देखो टमाटर 200 रुपए किलो। गाइस, ये मैंने दूध ले लिया है और अभी जा रहा हूँ, बारिश चालू हो गया। सो गाइस, मैं आ गया दूध लेके, और सिर्फ दूध लेके आया, चीनी लेके नहीं आया, क्योंकि चीनी मेरे पास पहले कहीं पड़ा हुआ था, किचन में चेक किया था, चीनी था मेरे पास। सो ओनली दूध लेके आया, और अभी जा रहा हूँ मैं बनाने के लिए ओट्स। और ओट्स बनाने से पहले मैं आपको जो किचन में जो विंडो है और वहाँ से जो नज़ारा दिखता है सामने का, वो मैं दिखाता हूँ आपको। बारिश चालू है, बारिश हो रही है, और सामने में पहाड़ दिखता है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे पहाड़ है, तो जो पहाड़ है बिल्कुल वाइट हो गया है, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, और बारिश चालू है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सो दिखाता हूँ मैं पहले आपको बाहर का नज़ारा। ये रहा मेरा दूध, ये दूध लेके आ गया, और ये ओट्स है, पहले का ही ओट्स पड़ा हुआ है, क्विकर का ओट्स है, और इसमें देखोगे तो आप आधा से ज़्यादा है। और ये अभी बनाने वाला हूँ इसके अंदर, ये हमारा इंडक्शन है, पहले इसको चालू करते हैं, और इंडक्शन हो गया चालू। सो इसमें बनाऊंगा, और ये रहा नज़ारा, विंडो से जो नज़ारा है इस तरह का दिखता है, देखो पीछे में पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है, और बादल है ऊपर में, क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, अभी बंद है, थोड़ा स्लो हो गया है। सो ये है नज़ारा सामने से, किचन है और किचन के सामने से विंडो है, उसका नज़ारा है। ये हो गया गरम, पहले इसको बनाते हैं। सो गाइस, मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ ओट्स, और ये रहा दूध, दूध लेके मैं आ चुका हूँ, इसको मेरे को काटना भी है। और ये है ओट्स, पहले का ओट्स पड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी सारा ओट्स है, मतलब बनाया है नहीं, इसमें से आधा बचा हुआ है, और इसके अंदर बनाऊंगा। पहले मैं इसको काटता हूँ, क्योंकि इसके लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा, तो पहले इसको काटता हूँ, फिर ये डालूँगा, और उसके बाद बनाते हैं। पहले मैं इसको काटता हूँ, और काटने के बाद इसको डालना पड़ेगा हमको इसमें। चीनी के अंदर चींटी घुस गया है और ये निकल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकालो, मतलब बाकी निकल गया है, दो चार और भी हैं, वो निकल नहीं रहा है, ये दूर में दिख जा रहा है। दूध गिर गया बाबा, दूध गिर गया, ओ शिट,
यार चीनी के चक्कर में दूध गिर गया, कैसे होगा अभी। सेट गाइस दूध गिर गया पूरा इधर, मैं चीनी से चुटी निकाल रहा था तब तक इधर दूध देखा ही नहीं, गिर गया पूरा दूध। ओह शिट यार, अब इसको कैसे करूं मैं, समझ नहीं आ रहा भाई ना कैसे करूं। क्या बोलो दोस्तों, इधर क्या बोलने का, जरा दिन खराब चल रहा है। इधर चीनी है, चीनी के अंदर क्यूटी था तो मैं वो निकाल रहा था, मुझे लग रहा था गिरेगा गिरेगा, मैं बचा लूंगा बचा लूंगा, जब तक मैं सोचा वो बोलेगा जैसे ऊपर आएगा मैं इसको निकाल लूंगा, पता नहीं कब निकल गया एकदम से उबल गया पूरा बाहर आ गया। सेट यार, जो होता है ना जिससे डरता है आदमी वही होता है। आज का दिन खराब है पूरा, चीटी में शिट यार। पूरा दूध गिर गया से, इधर चीनी के चक्कर में दूध गिर गया और चीनी अभी चीटी घुसा हुआ, फिर से मत गिर जाना भाई। अभी उबला नहीं सही से, इसलिए मैं इसको फिर से उबाल रहा हूँ, बट इस बार गिरने नहीं दूंगा मैं। कैसे कैसे हो रहा है, पता नहीं क्यों आवाज आ रहा है अजीब सा, ऐसे कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, आवाज क्यों आ रहा है मालूम नहीं। गाइस थोड़ा दूध निकाल देता हूँ क्योंकि इतना दूध नहीं हो पाएगा, मतलब इतना दूध का काम नहीं है हमको, तो थोड़ा दूध निकाल देता हूँ मैं। बस अभी डालता हूँ, बस गर्म हो गया। सो गाइस हमारा ओट्स बन गया है और इस तरह के ओट्स बना है, बट हमारा दूध गिर गया, इस बात का दुख है मुझे, मेहनत की कमाई थी दोस्त, दूध नहीं गिरना चाहिए था, मेहनत खून पसीने की कमाई थी, बट एनी वे जाने दो, अभी गिर गया सो गिर गया, फिलहाल हमारा ओट्स बन गया है। सो गाइस मैंने निकाल दिया है अपना ओट्स और बनकर तैयार हो गया है, और ये इस तरह से दिख रहा है मेरा ओट्स, थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद खाऊंगा। गाइस ओट्स बन गया है आपने देख लिया, और
मेरा जो दूध है वो पता नहीं कैसे गिर गया है। मैं इधर चीनी से चींटी निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे चींटी थे तो निकल गए थे, बट दो चार बचे हुए थे उसको मैं निकाल रहा था। मुझे लग रहा था गिर सकता है, बट मेरा ध्यान था वहाँ में, पता नहीं कैसे गिर गया, समझ में नहीं आया, एकदम से उबल गया पूरा, तो दूध काफ़ी सारा नुकसान हो गया है मेरा। बट कोई बात नहीं, होता है, अभी क्या कर सकते हैं अभी। सो ये था आज का वीडियो, और काफ़ी तेज़ भूख लगी है, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, और ओट्स बन गया और चीनी भी मैंने डाल दिया है, तो उम्मीद है कि ओट्स हमारा आज का अच्छा बना होगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।